नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न 45.33% का है। जब से स्कीम स्टार्ट हुई है, यानी जनवरी 2013 से लेकर अब तक, इस स्कीम ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आदित्य बिड़ला सन लाइफ की इस स्कीम के बारे में, और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप ₹500 की मंथली SIP स्टार्ट करके 1.17 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल मनी मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 25.47% का है, और पिछले 5 साल का रिटर्न 31.40% का है। अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 3 साल में स्कीम ने 37.89% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल का इसका रिटर्न 45.33% का है। आदित्य बिड़ला सन लाइफ की स्कीम का नाम है आदित्य बिड़ला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड है जो IT सेक्टर की कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो, भारती एयरटेल, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स आदि। दोस्तों, सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड बेहद रिस्की होते हैं, इसलिए इन फंड्स में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए ₹100 और लमसम ₹1,000 कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का NAV अभी ₹144.12 चल रहा है। इस स्कीम का फंड साइज है 3,086 करोड़ रुपए का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसके एक्सपेंस रेशियो है 0.85% का। दोस्तों, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करके किसी भी FD और RD से 4 गुना से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में ₹500 महीना से SIP स्टार्ट करते हैं, तो यह स्कीम आपको कितने साल में कितने रुपए दे सकती है। यहाँ पर हमने रिटर्न माना है 20% का, जो कि स्कीम के ऑल टाइम रिटर्न से 5% कम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम 20% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मान कर चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में यह 20% से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस SIP को 5 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा ₹21,727 का। ₹30,000 आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 5 साल के बाद वो ₹51,727 की होगी। अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा ₹1,31,182 का। ₹60,000 आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 10 साल के बाद वो ₹1,91,182 की होगी। अगर आप इस SIP को 15 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा ₹4,77,147 का। ₹90,000 आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 15 साल के बाद वो ₹5,67,147 की होगी। अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा ₹14,60,740 का। ₹1,20,000 आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 20 साल के बाद वो ₹15,80,740 की होगी। अगर आप इस SIP को 25 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा ₹41,63,354 का। ₹1,50,000 आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 25 साल के बाद वो ₹43,13,354 की होगी। अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1.15 करोड़ रुपए का। ₹1,80,000 आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 30 साल के बाद वो ₹1.17 करोड़ रुपए की होगी।
तो दोस्तों इस प्रकार आप आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की इस स्कीम के अंदर 500 रुपए महीना से SIP स्टार्ट करके 30 साल में 1,80,000 रुपए जमा करके 1.17 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं, पहला फंड कंपनी की वेबसाइट से, दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो अपस्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस प्रकार डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आप 1.5% तक का ब्रोकरेज एक्सपेंस बचा लेंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.moneymunch.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।